दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप एक बुरे सपने की तरह गुजरने के बाद अब बहुत जल्द भारतीय टीम अपना दूसरा अभियान शुरू करने वाली है, जिसके लिए रोहित शर्मा के हाथों में टीम इंडिया की कमान सौंप दी गई है। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम की नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे और धमाकेदार वापसी कराने जा रहे हैं टीम इंडिया की। लेकिन दोस्तों रोहित के कप्तान बनते ही कई युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया गया है, और वहीं पहले T20 मैच से एक दिन पहले ही भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया गया, जिसने सभी को चौंका दिया है। दोस्तों रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड को धूल चटाने के लिए कौन कौन से 11 खिलाड़ियों पर अपना भरोसा जताया है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम T20 की नंबर 1 टीम बन पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 T20 मैचों की श्रृंखला की शुरुआत कल यानी कि 17 नवंबर से होने जा रही है, जहां पहला T20 मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां भारतीय टीम में विराट, शमी, बुमराह और जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर हर्षल पटेल, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर जैसे युवा चेहरों को पहली बार टीम इंडिया में खेलने का मौका दिया गया है। वहीं ICC टूर्नामेंट के फाइनल में न जीत पाने का मलाल लेकर कीवी टीम भारत पहुंची है और वो T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने आराम करने का फैसला किया है और उनकी जगह टिम साउदी न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों न्यूजीलैंड के पास भी टैलेंटेड खिलाड़ियों की फौज है और वो अपने मुख्य खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी भारतीय टीम को एक कड़ी चुनौती देते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा भी न्यूजीलैंड को कमतर आंकने की भूल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और भारत की एक मजबूत प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है उन्होंने, जो कल जयपुर में न्यूजीलैंड के हराने के लिए पूरे इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा ऋतुराज गायकवाड़ सलामी बल्लेबाजी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों गायकवाड़ हालिया समय में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और रोहित शर्मा उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनकी फॉर्म को बरकरार रखने का एक बड़ा मौका देना चाहते हैं। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव और चौथे नंबर पर KL राहुल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों राहुल ने पहले वनडे क्रिकेट में भी इस नंबर पर बल्लेबाजी की है और उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। वहीं पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर को खिलाया जाएगा, जो अंतिम ओवर में काफी तेजी से रन बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, जबकि छठवें नंबर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का लाइसेंस रहेगा। वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे और पहले T20 मैच में ही वो भारत के लिए डेब्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार को एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, जबकि उनके साथ सिराज की पेस न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को मुश्किल समय देगी। वहीं दोस्तों अक्षर पटेल और आर अश्विन की स्पिन जोड़ी बीच के ओवर में विकेट निकालने के लिए रोहित के ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत के लिए ये 11 खिलाड़ी न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में हराने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।